सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स की ग्रुपिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सीधा पहले पुराने पोल से, जहां पे सवाल ये था कि क्या दोस्तों आप व्हाट्सएप छोड़ के स्विच करेंगे टेलीग्राम में सिग्नल पे, तो आप बस बोला है 40% ने हाँ जी हाँ हम करेंगे व्हाट्सएप को बाय बाय और सिग्नल को हाय हाय, लेकिन 60% बोलते हैं नहीं हमें व्हाट्सएप प्यारा था है और रहेगा और हम चिपके रहेंगे व्हाट्सएप के साथ में, ग्रुप्स के साथ में, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और यहां पर दोस्तों बात करते हैं आज के सवाल की। तो सवाल दोस्तों फिलहाल ये है कि लावा ने जो लॉन्च किया कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन, क्या आपको ऐसे और स्मार्टफोन चाहिए फ्यूचर में जहां पे आप अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच कर पाएंगे स्पेसिफिकेशंस को और ऐसे में अपने पैसे बचाते हुए एक कस्टम मेड स्मार्टफोन ऑर्डर कर पाएंगे? बताना जरूर क्या है आपके मन की बात सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में सीधा दबा डालिए, काफी आसानी होती है लाइक बटन को। यहां दोस्तों बात करते हैं पहले बिट को लेकर, निकल के आता है लूडो किंग को लेकर। भैया लूडो किंग दोस्तों यहां पे ऐसे में लॉकडाउन के दौरान बहुत साथ निभाया था हम सभी का, और फिलहाल दोस्तों यहां पे आया अपडेट जिसके चलते क्विक लूडो और ऐसे में अप टू 6 प्लेयर वाला मल्टीप्लेयर मोड आ चुका है। तो अभी दोस्तों आप ऐसे में लूडो का मजा उठा सकते हैं, गोटियां काट सकते हैं और थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। वैसे क्या आपने लूडो किंग खेला है क्या? मैंने तो कभी 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 खेला है, आप बताओ मन की बात क्या है नीचे कमेंट करते हुए। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग का एक गैलेक्सी अपसाइकलिंग प्रोग्राम है। और यहाँ पर दोस्तों प्लानिंग ये है कि यार अगर आपके पास में कोई पुराना स्मार्टफोन है जो घर पर बेकार पड़ा है, तो उसको दोस्तों अभी आप रिसाइकिल कर सकते हैं किसी और पर्पज के लिए, आप उसको घर में यूज कर पाएंगे। फिर चाहे दोस्तों वो एक बेबी मॉनिटर हो, चाहे दोस्तों ऐसे में मतलब कुछ और तरीके से आप स्मार्टली उसको अपने घर में यूज करें, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखते हैं कि ऐसे में क्या क्या हमको अलग अलग ऑप्शन मिल पाते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे व्हाट्सएप को लेकर। भैया व्हाट्सएप जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है बार बार कि भैया ऐसे में जो आपके मैसेजेस हैं फ्रेंड्स या फैमिली वाले, वहां पे कुछ नहीं बदल रहा है, आपकी आपकी जो प्राइवेसी है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, मैसेजेस लीक नहीं होंगे वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों मतलब ऐसे में सब कुछ चीजें जो है व्हाट्सएप बता रहा है, हालांकि बिजनेस चैट्स के बारे में बातें अलग हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली की। पता नहीं क्या भैया फ्यूचर में क्या ही होगा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लिनोवो की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों लिनोवो ने NEC Levi Mini दोस्तों यहाँ पे ये एक PC गेमिंग कंसोल हाइब्रिड मतलब दोस्तों लॉन्च किया है, जहां पे आप समझ लो कि ये गेमिंग कंसोल भी है, ये एक लैपटॉप भी है। यहाँ पे दोस्तों आप इसमें ऑन द गो गेमिंग भी कर सकते हैं, आप इसको डॉक करने के बाद भी गेम खेल पाएंगे, मतलब काफी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। अभी ऐसे में दोस्तों इसको CES के दौरान अनाउंस कर दिया गया है। गेमिंग का जो मजा है वो डेफिनेटली इन 200 होता है दोस्तों, ऐसे ही मतलब पोर्टेबल और काफी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस के साथ में। देखते हैं कि क्या ये इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं। अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे सैमसंग की तरफ से, जहां पे एक 65 वॉट्स का सुपर फास्ट चार्जर सैमसंग का लीक हुआ है। अभी आई एम नॉट श्योर कि दोस्तों क्या ये गैलेक्सी S21 सीरीज के लिए है या किसी और डिवाइस के लिए है और क्या है इसकी पूरी कहानी, लेकिन आप इतना तो मान लो कि मतलब जो चार्जिंग स्पीड्स हैं वो धीरे धीरे हम बढ़ बढ़ के एक टाइम पे ऐसे पहुंच जाएंगे कि चुटकी बजाएंगे, मतलब केवल लगाई और बस निकालनी है एक सेकंड के लिए और फोन हो जाएगा पूरा 0-100, मतलब शायद 2-4 साल में 5 साल में क्या पता। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे मीडियाटेक की तरफ से, और ऐसे में दोस्तों 20 जनवरी का नया इवेंट शेड्यूल कर दिया है मीडियाटेक ने, और यहाँ पे दोस्तों एक नए चिपसेट का अनाउंसमेंट होने वाला है, और जो लीक्स के हिसाब से ये बेस्ड होगा 6 नैनोमीटर्स पर। ऐसे में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 के इक्विवेलेंट दोस्तों हमको मिलने वाली है परफॉर्मेंस इसी नए चिपसेट से, और ये होगा डायमेंसिटी 1200। बाकी कर देखते हैं कि क्या होता है 20 जनवरी के इसी नए इवेंट के साथ में। अगला अपडेट दोस्तों निकल के आता है क्वालकॉम की तरफ से, ऐसे में दोस्तों क्वालकॉम ने अनाउंस कर दिया है 3D सोनिक सेंसर जनरेशन 2, जहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो ये दोस्तों मतलब इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है काफी, और ये फास्ट भी है और ज्यादा सिक्योर भी है। मोबाइल फोन्स में अगर आप इसको लगाएंगे तो भैया ऐसे में आप देख पाएंगे कि जो फोन अनलॉक है वो काफी और बेहतरीन तरीके से हो जाता है। वैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि पूरे डिस्प्ले में वो जो एक बार देखा था ना हमने दोस्तों कॉन्सेप्ट फोन, वैसा कुछ आ जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर सब जगह पे ही काम कर रहा है। अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, ऐसे में दोस्तों सैमसंग ने अलग अलग फ्यूचरिस्टिक होम रोबोट्स को शोकेस किया है CES में, जहां पर दोस्तों ये आपके घर के काम करेंगे, मतलब सफाई भी करेंगे और आपका ट्रीटमेंट जो है उसका भी साथ निभा देंगे, और मतलब बहुत सारे दोस्तों यहां पे कुकिंग को लेकर और वैक्यूम क्लीनर वगैरह मतलब तरह तरह के रोबोट सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। फ्यूचर में वैसे टाइम वही आएगा कि घर के अंदर बस हम बैठे हैं और बाकी सारा काम रोबोट्स किए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है माइक्रोसॉफ्ट को लेकर, और यहाँ पर दोस्तों सरफेस प्रो 7 प्लस लॉन्च दोस्तों कर दिया है, जहां पे है इंटेल का टाइगर लेक CPU, साथ में दोस्तों है रिमूवेबल SSD और LTE जो है इसका दोस्तों ये भी वेरिएंट एक अवेलेबल है ताकि आप ऑन द गो कनेक्टेड रह सकें। तो अभी जो सरफेस दोस्तों लाइन है माइक्रोसॉफ्ट का वो डेफिनेटली काफी एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो हमको देखने को मिलते हैं।
देखते हैं कि इंडिया में आता है या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है पबजी मोबाइल को लेके, और दोस्तों यहाँ पे आ गया एक नया अपडेट वर्जन 1.2। अब लेकिन इंडिया में तो गेम ही नहीं है तो ये अपडेट से हम क्या करें, लेकिन दोस्तों अगर आप अभी भी खेल पा रहे हैं, अगर आप अभी भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये आ गया है वर्जन 1.2 इसका अपडेट, जहाँ पे आपके पास में दोस्तों नए फीचर्स हैं, कुछ नए वेपन्स वगैरह भी हैं, तो गेम खेलने का मजा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा अगर आप अभी भी पबजी मोबाइल खेल रहे हैं। तो क्या आप वैसे अभी खेल रहे हैं क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर खेल रहे हैं तो क्या स्कीम लाया खेल रहे हो बता दो, ताकि वो भी सब लोग यूज कर ले, और फिर देखते हैं क्या कि इंडिया में पबजी मोबाइल कब तक आ पाता है। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे फेसबुक को लेके, और दोस्तों फेसबुक की जो सीईओ है शेरिल सैंडबर्ग, वो ये कहती है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो हमेशा के लिए हो गए हैं गो वेंट गॉन हमारे प्लेटफॉर्म से, और ऐसे में कोई प्लान नहीं है फेसबुक का कि इनका दोस्तों जो बैन है उसको हटाया जाए। ट्विटर ने भी परमानेंटली बैन कर दिया है, फेसबुक ने भी जो है वो दोस्तों परमानेंटली बैन करने की प्लानिंग बनाई ली है। तो मतलब भैया गजब बेइज्जती है यार वाली फीलिंग हो रही है मिस्टर ट्रंप की तो इस टाइम सब तरफ सभी प्लेटफॉर्म से। आगे अगर देखते हैं क्या होता है, बात तो कर रहे हैं कि हम हमारा खुद का प्लेटफॉर्म बना लेंगे, दीवार बनाएंगे वैसी प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, मतलब लेट्स सी क्या होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे आईक्यू 7 को लेके, दोस्तों लॉन्च हो गया है, जहाँ पे है ट्रिपल रियर कैमरास, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, साथ में दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास में मतलब गेमिंग को लेके बहुत सारी एडवांस चीजें, और जो दोस्तों कीमत इसकी शुरू होती है वो है इंडियन करेंसी में करीब करीब इक्वलेंट 43,000 रुपीज से, जहाँ पे है इसका 8128 वाला वेरियंट, और ये एकदम मतलब एक हाई एंड दोस्तों गेमिंग स्मार्टफोन और एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन बना के लॉन्च किया है आईक्यू ने। आईक्यू 7 इंडिया में लेट्स सी कब तक आता है, और आईक्यू इस बार और क्या क्या नया इंडिया में लॉन्च करता है किस कीमत के साथ में। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है एप्पल और ह्यूंडई को लेके, और यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल चीजें सेट हो चुकी हैं, और यहाँ पर दोस्तों डील साइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर, और यहाँ पर दोस्तों ये होंगे सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार्स, और अभी ऐसे में एप्पल शायद ह्यूंडई की मदद लेगा और ह्यूंडई एप्पल की मदद करेगा, और दोनों आपस में दोस्तों करेंगे डील, और ऐसे में मार्केट में शायद हम देख पाएंगे आने वाले टाइम में कि एप्पल लेके आने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स दोस्तों ये होंगी, और मतलब कीमत बहुत ज्यादा ही होगी, क्या पता ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना देना कि मतलब अगर कार खरीदोगे तो आईफोन फ्री, साथ में एयरपॉड्स भी मिल जाएंगे और होम पॉड ही मिल जाएगा। हाँ मतलब कार भी तो होगी कम से कम 50-60 लाख 1-2 करोड़ की। तो यहाँ पर दोस्तों बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।